हेलो फ्रेंड, मैं सुमित चौरे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस स्टडी वायर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अगस्त 2018 के एएलपी रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन। फ्रेंड, आपने देखा होगा जो कल का पैटर्न था 9 अगस्त का, वही आज का पैटर्न रहा है। कोई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, क्वेश्चन सेम है। बस मैथ्स में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो टॉपिक चेंज आने लगे हैं। आज जैसे डीआई पूछा, लॉगरिथम पूछा है, और भी कुछ टॉपिक चेंज पूछे हैं, तो फ्रेंड आप उसको प्लीज़ पढ़िए। और अगर हम करंट अफेयर और साइंस की बात करें तो वो कल जैसे ही आ रहे हैं सारे। तो फ्रेंड आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि आज क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल की आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है। तो फ्रेंड है वो हाइड्रोजन। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये भी आ सकता है। अगला सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है? तो फ्रेंड ये है 29। फिर अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। फ्रेंड तो हमने कल भी एक क्वेश्चन देखा था कि विटामिन पे कल भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड वो टोकोफेरॉल। और कल हमने सारे विटामिन पे पूरा फुल डिस्कस किया है। तो फ्रेंड आप उसको प्लीज देखिए, अगर आपने देखा होगा तो आज का ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कार्बिक एसिड। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन है, ये काटा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करें कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो टेलीविजन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल ने। छठवें क्वेश्चन की बात करें कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। फ्रेंड अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें कल ये पूछा था आरबीसी रिलेटेड कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, और आज पूछा है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। तो फ्रेंड अगर आपने देखा होगा तो हमने कल फुल डिस्कस किया है। तो आरबीसी सबसे पहले तो आरबीसी के अगर जीवन काल की बात करें तो 120 दिन एवरेज होती है। बनती कहाँ है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, धमनियों के द्वारा ये शुद्ध रक्त ले जाती है, और जो सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त हृदय तक वापस लाती है। और वैसे अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो प्लीहा स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है, जिसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करें कि सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट ये टेम्परेचर मापने का पैमाना है, तो किस ताप पर ये दोनों इक्वल होते हैं? तो फ्रेंड ये इक्वल होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। और अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन से कि किस ताप पर फारेनहाइट का तापमान सेल्सियस से डबल होता है, दुगना होता है? तो फ्रेंड वो याद रखिएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है? फारेनहाइट का पैमाना सेल्सियस से दुगना होता है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो पूछा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड ये आपको पता होगा किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन पूछा है अनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है या कौन है? तो यह है ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का सूत्र क्या है। तो प्रोपेन का सूत्र है फ्रेंड C3H8। अगला क्वेश्चन पूछा है ओलंपिक से कि जो ओलंपिक होता है तो वहां हर देश का एक सदस्य ध्वज लेके चलता है, तो वो ध्वजवाहक कौन था? तो वो थी PV सिंधु। एक नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा है कि केक के प्रमुख कौन है, CAG, केक के प्रमुख कौन है? तो फ्रेंड वो है राजीव महर्षि। अगले एक और क्वेश्चन पूछा है कि स्पाइस जेट के मालिक कौन है, तो वो है अजय सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटो का गठन कब हुआ था। फ्रेंड नाटो का गठन कब हुआ था? तो नाटो का गठन हुआ था 1949 में, और इसके मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मलेशिया व भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड उसका नाम है हरिमाओ शक्ति, हरिमाओ शक्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया है खेल से कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये है जूलियन थ्रो से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में अर्थशास्त्र का नोबल किसे मिला है। तो भारत में अर्थशास्त्र का नोबल मिला है 1998 में अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि
विज्योति योजना किस बैंक द्वारा चलाई गई है? तो फ्रेंड ये चलाई गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पेटा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो फ्रेंड ये नवाजा गया है अनुष्का शर्मा को। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसने पूछा है कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। फिर लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचे हैं कि यदि चंद्रमा पर बम फूटता है तो पृथ्वी पर आवाज कितनी देर में सुनाई देगी? तो फ्रेंड वहाँ वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण आवाज बाहर नहीं जा पाएगी, और वैसे भी यहाँ नहीं सुनाई देगी। एक क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है कि प्रोटीन किससे बनता है? तो फ्रेंड प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो विटामिन इसका के है, और इसमें भी क्या सहायक है? तो प्रोथ्रोम्बिन। फ्रेंड तो ये रहे आज के सारे क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। फ्रेंड आप अगर आगे के भी इसी तरह वीडियो चाहते हैं कि जो आपको हम आगे के पेपरों का एनालिसिस दे, तो फ्रेंड प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही एग्ज़ाम होता है हम आपको तुरंत पूरा एनालिसिस दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।